जिन्हें पूज दुनिया, जिन्हें मान दुनिया। देखो ये बाबा पहली शक्ति है हमारे को, बाबा बाबा का हाथ है, बाबा का साथ है और बाबा की शक्ति है और बाबा के सेवा में खुशी है। इसलिए थक ऐसा तो मैं नहीं समझती हूँ, कभी हम कहूँ मैं तो आज थकी पड़ी हूँ ऐसा न फील होता न होता। टाइम पर आराम किया ठीक है, कभी थक होता भी है, आराम किया चलो थके हैं एक आधा घंटा आराम किया थक खत्म पूरा हुआ, आधा घंटा बहुत बहुत एक घंटा आराम करो सब तक खत्म, बाकी तो खुशी में उड़ते रहो चलते रहो तो तन भी मदद करता मदद करता। खुशी में बाबा की खुशी से सेवा से बल मिलता और वो सेवा का बल शरीर को भी मदद करता। कहीं कहीं पूछते हैं दादी आपकी उम्र क्या है, मैं तो अभी 70 शुरू हुआ 70, लेकिन मैं हमेशा समझती हूँ मैं हमेशा समझती हूँ शायद मैं आप लोग जो इतनी 30-32 बरस की सदी वैसे समझते हम तो छोटे हैं, अभी हम इतनी छोटी हूँ कभी आता क्या स्टूडेंट लाइफ। इसका कारण है ये भी है दादी ने, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, स्टडी से प्यार है और सेवा से प्यार है, तो स्टडी से प्यार होने के कारण सदैव कभी ये अनुभव नहीं होता हम गृहस्थी है न हूँ न थी न कब ऐसा फील होता, हम स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट तो सदैव मस्त रहता, इसलिए हम लोग स्टूडेंट है। सारी प्रवृत्ति लेकिन प्रवृत्ति मेरी थोड़ी है बाबा की है, इसलिए कोई प्रवृत्ति नहीं। झमेले आते हैं फिर झमेले बाबा के है कि मेरे थोड़ी है इसलिए ये इतना अच्छा हाल है, सारे झमेले आते अच्छा आया झमेला कुछ भी आया, कई प्रकारों के झमेले आते आया उसका बीचा किया राय दिया जवाब दिया बात पूरी हुई, झमेला आया बाबा अब क्या करूं बाबा बताता ऐसे करो हल दे दिया पूरी हुई तो नींद आती अच्छी। मुझे ये सबको पता है कि दादी की नींद आप यहाँ आएंगे अच्छा दादी ये बात है, मैं कहता अच्छा ओम शांति यूं किया मुझे पता ही नहीं आप खड़े भी हो या गए मुझे ये भी नहीं है ना, ये बाबा की मदद है। मैं आप मिनट कहो मैं मिनट भी नहीं कहती, मैं सिर्फ ऐसा करूंगी एक सेकंड में नींद आएगी, चाहे कितने भी झमेले से जाएंगी कमरे में, कई बार होता है झमेला हुआ ये हुआ अच्छा ओम शांति ये हुआ बस ऐसा किया और नींद आ जाएगी। पूछो कमरे में जो हमारे रहते उनको पता है हाँ नहीं देखो हम आपको बताएंगे देखो दुनिया वो दादी हमारी मीठी माँ।